हे गाइस कैसे हो। मेरे ख्याल से आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नारुतो के टीआरपी के बारे में और इटाची वुचिया वापस आ चुका है सास्के के बैक स्टोरी के अंदर। अब सास्के के बैक स्टोरी के अंदर हमें सास्के के माता पिता की मतलब आवाज को रिवील कर दिया गया है और हम लोग ली की मारू और बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स के अंदर जो चीजें हुई है उसके बारे में भी बात करेंगे। मतलब सब कुछ मतलब इसके वीडियो के अंदर सब कुछ घुसा देंगे यार। और आज का वीडियो विदाउट फेस कैम होने वाला है। तो गाइस क्योंकि मेरा सेटअप मतलब टूट चुका है, न्यू सेटअप के साथ ही मैं आप लोगों को दिखने वाला हूँ। तो लिटरली गाइस मतलब समझ लो यार मतलब विदाउट फेस कैम आज वीडियो होने वाला है। उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं हम लेते हैं इटाची उचिया के बारे में। तो कल के एपिसोड के अंदर हमें इटाची उचिया को दिखाया गया, मतलब सास्के की एक बैक स्टोरी के अंदर इटाची उचिया को दिखाया गया। सास्के जहाँ छोटा सा रहता है वो लिटरली मतलब सास्के और इटाची उचिया की बॉन्डिंग अच्छी सी रहती है और उसके अंदर हमें मतलब इटाची को ईवल दिखाया गया हिंदी डब के अंदर। और लिटरली हिंदी डब के अंदर हमें कल मतलब सास्के की माता पिता की मतलब आवाज को रिवील कर दिया गया है, खासकर फुगा की ऊंचा यानी कि हमारे मतलब सास्के के पिताजी की आवाज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। मतलब अच्छी नहीं लगी यार, मतलब बेकार ही लगी उसकी आवाज़, मतलब जवान लोंडे की तरह लग रही थी भाई, क्या ये बताऊँ आप लोगों को। उसके बाद बात की जाए हमारे किमिमारू के बारे में, यानी कि भाई हमें ली और किमिमारू गारा की जो मतलब क्या है बोलो भाई फाइट देखने के लिए मिली है ना भाई, मैं आपको बता नहीं सकता, घूसबम आ गए थे लिटर यार। ली और गारा एक टाइम पे खून के पैसे थे और आज एक साथ मिलकर उन लोगों ने जो लड़ाई की है, खासकर फनी वे में जब डब किया गया, मतलब फनी वे में हमें जब ली को दिखाया गया कि भाई देसी ठर्रा पी के मतलब देसी ठर्रा पीने के बाद उसके अंदर जो पावर आती है आपको मैं क्या ही बताऊं यार। और अब हमें एक आखिरी मैच देखने के लिए मिलने वाला है, वो भी नारुतो और सास्के का। और अब बात कर लेते हैं नारुतो के टीआरपी के बारे में। तो गाइस जो कोई भी आप लोगों को एनिमे ट्यूबर बता रहा है कि भाई नारुतो नंबर वन के जो ऊपर चल रहा है टीआरपी के मामले के ऊपर, वो सभी कार्टून्स को सारे एनिमेस को पीछे छोड़ दिया है। और जो कोई भी बोल रहा है कि भाई हमारा सोनी अब इंडिया का नंबर वन किड चैनल बन चुका है बोल के, तो भाई साहब ये सारी फेक चीज़ें। मैं आपको बता दूँ कि नारुतो कहाँ भी नंबर वन पे नहीं चल रहा है भाई। मतलब अगर आप लोग गूगल बाबा से यानी कि गूगल के ऊपर सर्च करोगे तो आप लोगों को कोई नारुतो की टीआरपी देखने के लिए नहीं मिलेगी, सिर्फ हमारे सोनिया के बताया कि भाई उसकी टीआरपी कितनी आ रही है। और लिटरली मैं आपको बता दूं कि हमारा नारुतो सिर्फ सोनिया के ऊपर नंबर वन पे है, मतलब इसी वजह से तो हमें नारुतो को दिखाया जा रहा है भाई साहब। लिटरली इतने सारे एपिसोड्स को डब करना दिखाना मतलब आम चीज़ है क्या भाई, मतलब गुटलिया खा लिया और आम को बेच दिया, ऐसी चीज़ें होती नहीं है भाई साहब। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, लिटरली सोनिया कर रहा है जिसकी वजह से हमारा नारुतो नंबर वन के मतलब टीआरपी के मामले में सोनिया चैनल के ऊपर ही चल रहा है। जो कोई भी मतलब टीवी के ऊपर मतलब जियो टीवी के ऊपर मतलब नारुतो को नहीं देख रहा ना भाई साहब, उनको मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग मत देखो नारुतो को, मतलब आप लोगों को प्राइवेसी करके वेबसाइट के ऊपर ही देखना। तो भाई साहब आप लोग नारुतो को क्यों देख रहे हो भाई साहब, क्योंकि अब आप लोग ऐसा करोगे तो सोनिया हमें कभी भी नारुतो को नहीं दिखाएगा। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बता दीजिएगा। हैशटैग यकीन करो, हैशटैग सोनिया, हैशटैग नारुतो लिख दो भाई, मतलब भाई क्या ही बोलो यार। मिलते हैं जय हिंद वंदे मातरम, दत्ते भाई।